सोमवार को गाड़ी संख्या 22436 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भरतना स्टेशन से 9 बजे पास होने के बाद गाड़ी के पेंटों में तकनीकी खराबी आ गई। यह गाड़ी भरतना सामहो के मध्य रुक गई। गाड़ी में तकनीकी टीम द्वारा खराबी को ठीक करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसी दौरान सराय भूपत स्टेशन से एक राहत इंजन साइट पर भेजा गया और गाड़ी को खींचकर भरतना स्टेशन पर लाया गया। पीआरओ अमित कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गाड़ी के यात्रियों को गाड़ी संख्या 22426 आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस से 300 यात्रियों को 12:28 बजे, गाड़ी 12004 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी से 580 यात्रियों को एवं गाड़ी 12816 नई दिल्ली पूरी एक्सप्रेस से शेष बचे 20 यात्रियों कानपुर के लिए भेज दिया गया। यात्रियों को कानपुर से वाराणसी भेजने के लिए एक विशेष गाड़ी का प्लेटफार्म 5 पर इंतजाम किया गया। यह गाड़ी वंदे भारत के यात्रियों को लेकर 14:46 बजे वाराणसी के लिए रवाना हुई। इस दौरान IRCTC द्वारा यात्रियों की खान पान संबंधी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त प्रबंध किए गए।